हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज की इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसकी एक क्लास हमने अटेंड कर ली है, जिसमें हमने इस चैप्टर का जो बैकग्राउंड था, जो बेसिकली इंट्रोडक्शन था, वो हमने ले लिया है। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे टॉपिक लिबरलाइजेशन। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये समझा कि क्यों हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत पड़ी, कि 1991 के टाइम पे ऐसी क्या सिचुएशंस चल रही थी जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा जुलाई 1991 के अंदर। तो हमने पढ़ा नीड फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसके अंदर हमने ये देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉल हो रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, गवर्नमेंट के डेट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, बीओपी की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा एडवर्स थी, मोर ओवर इसेंशियल गुड्स के भी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। तो अब वो कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बच्चे, हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन जुलाई 1991। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक है अब क्लासिफिकेशन ऑफ NEP। यहाँ पर NEP का मतलब है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि दो तरीके के मेजर्स यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस करे। एक को नाम दिया हमने स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरे को नाम दिया हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। अब इनका क्या यूज था, ये किस तरीके के मेजर्स थे? सबसे पहली बात, जो हमारे स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे वो थे हमारे शॉर्ट टर्म मेजर्स, यानी कि हम यहाँ पर उनको इंट्रोड्यूस कर रहे थे बहुत ही कम समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें बस कुछ जो फ्लक्चुएशन थी उनको ठीक करना था, जो हमारी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स थी हम उनका यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल रहे थे। बट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ बदलाव लेकर आने वाला था, तो इसलिए ये कुछ हमारे लॉन्ग टर्म मेजर्स थे। स्टेबलाइजेशन मेजर्स को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर दिख रहे थे, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आ रही थी कुछ प्रॉब्लम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो वीकनेसेस थी, यानी कि जो एडवर्स सिचुएशन थी, बेसिकली उसको करेक्ट करने के लिए हमने इन मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था। हमने पढ़ा ना कि एसेंशियल गुड्स के भी प्राइस बढ़ रहे थे, तो वहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी इन मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो बेसिकली स्टेबलाइजेशन मेजर्स हमारी इकोनॉमी में होने वाले फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे। बट वहीं पे अगर मैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करूं, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाले थे हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो वहां हम अपने इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना था, उसके कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करना था, यानी कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टैंड कराना चाहते थे इन फ्रंट ऑफ फॉरेन कंपटीशन। कि अभी तो फिलहाल हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि बाहर से जो कंपटीशन है उसको रोका जा सके, हम अपने इंडियन प्रोड्यूसर्स को बचा सके उस फॉरेन कॉम्पिटिशन से। बट इन फ्यूचर अगर फ्यूचर कंपटीशन आता है तो इंडिया उस कंपटीशन को फेस करने के लिए रेडी हो, इंडियन इकोनॉमी उस कंपटीशन को फेस करने के लिए रेडी हो, तो उसके लिए हम इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो स्टेबलाइजेशन मेजर में जो एक हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया मेजर, वो था डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। अब डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमें पूरी चर्चा मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर के अंदर करनी है, बट मैं यहाँ पर आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हुई चलती हूँ। डीवैल्यूएशन यानी कि किसी भी चीज की वैल्यू का घट जाना डीवैल्यूएशन कहलाता है। अब ये किस चीज की वैल्यू घट रही है? रुपी। और रुपी किस कंट्री की करेंसी को कहा गया है? इंडिया। विच मीन्स कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के टर्म्स में फॉल हो जाती है तो उसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। बहुत सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं आपको इसको समझाती हूँ। सपोज करिए कि ये है यूएस डॉलर और ये है एक इंडियन रुपी, ठीक है। अगर मुझे इस यूएस डॉलर को खरीदना है तो मुझे 80 रुपीज पे करने पड़ते हैं तब जाकर, यानी कि मुझे ऐसी 80 पेंसिल्स देनी पड़ेंगी तब जाकर मुझे ये एक मार्कर मिलेगा। बट अगर मैं डीवैल्यूएशन की बात कर रही हूं तो वहां पर इस एक डॉलर को खरीदने के लिए सपोज मुझे 85 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं, विच मीन्स कि मुझे इस एक मार्कर के लिए 85 पेंसिल्स देनी पड़ेंगी तब जाकर मुझे एक मार्कर मिलेगा।
पहले 80 पेंसिल्स देकर ही मुझे ये मार्कर मिल रहा था, लेकिन अब 85 पेंसिल्स देकर मुझे ये मार्कर मिलेगा। तो ये मेरी करेंसी का डीवैल्यूएशन है, यानी कि मुझे $1 खरीदने के लिए अपनी करेंसी ज्यादा पे करनी पड़ रही। क्यों? क्योंकि इसके कंपैरिजन में मेरे इस रुपये की जो वैल्यू है वो घट गई है, तो इसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। तो डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट क्या होता है, इससे इम्पोर्ट्स तो हो जाते हैं एक्सपेंसिव, यानी कि हम अगर फॉरेन गुड्स खरीदेंगे तो वो हमें महंगे पड़ेंगे, बट एक्सपोर्ट्स हो जाते हैं चीपर, क्योंकि उनके लिए हमारे डोमेस्टिक गुड्स को खरीदना पड़ेगा सस्ता। तो ऐसे में एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा जो बीओपी है, क्योंकि बीओपी में इम्बैलेंस था, इम्पोर्ट्स ज्यादा थे एक्सपोर्ट्स कम थे, तो हमें उसको बैलेंस करना था, तभी तो बीओपी की सिचुएशन सुधरती। तो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए हमने डीवैल्यूएशन ऑफर रुपी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल है हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर का। ऐसे बहुत सारे हमने यहाँ पर मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। अब मेन हमारे लिए जो मुद्दा है वो है हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर हमने एक पूरी सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसको हमने नाम दिया LPG पॉलिसी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और आज जो हमारी चर्चा का मुद्दा है वो है इसमें से लिबरलाइजेशन। सो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं लिबरलाइजेशन से। तो सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग कि आखिरकार लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। बच्चे लिबरलाइज का मतलब होता है फ्रीडम, विच मीन्स कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमारी इकोनॉमी को मिले फ्रीडम। अब ये फ्रीडम हम किस चीज से मांग रहे थे? ये फ्रीडम हम मांग रहे थे अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल से। 1991 से पहले न जाने कितने सारे गवर्नमेंट कंट्रोल्स हमारी इकोनॉमी के अंदर लगे हुए थे, जिसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में तो हम जस्ट प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ के आए हैं कि फॉरेन ट्रेड के अंदर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे बाय टैरिफ एंड कोटास। तो यहां पर उसकी वजह से फॉरेन ट्रेड फ्रीली नहीं हो पा रहा था। मोर ओवर प्रोड्यूसर्स को अगर अपनी खुद की प्राइस सेट करनी है तो उसके लिए भी उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके अलावा अगर किसी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो इसके लिए भी पूछना पड़ता था। बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी RBI की तरफ से बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस थे। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर तो हम जानते ही हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी अलाउड नहीं थी यहाँ पर। तो ऐसे ना जाने कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर लगे हुए थे। तो उन सभी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। इट रेफर्स टू रिमूवल और रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन के अंदर यही बात बोली गई कि या तो हमें रिमूव करना है रिस्ट्रिक्शंस को, या हमें उन्हें रिड्यूस करना है। देखो जरूरी नहीं है बिल्कुल ही आप किसी को फ्रीली छोड़ दोगे तो यहाँ पर फिर मनमानी होनी शुरू हो जाएगी, चीजों का मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। तो जहां लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस करना जरूरी है वहां आप उस रिस्ट्रिक्शन को रख सकते हो, उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो, और जहां हमें लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है वहां पर आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक, तो इसीलिए वर्ड रिमूवल और रिडक्शन दोनों इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब ये रिमूवल और रिडक्शन किस चीज का था? गवर्नमेंट कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस का। कहां से हटाना था आपको ये कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस? इकोनॉमी के अंदर जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा था, उन सारी जगहों से हमें यहां पे उन सारी जगहों को हमें करना था लिबरलाइज। ठीक है, सो अब हमें क्यों नीड पड़ी इस लिबरलाइजेशन की पॉलिसी की, जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो प्रियर टू 1991 द लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। 1991 से पहले बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन थी कि अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई अपनी एंटरप्राइज को स्टार्ट करना है या उसको ग्रो करना है तो एंट्री पे भी रिस्ट्रिक्शन थी, प्लस जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं उनकी ग्रोथ पर भी रिस्ट्रिक्शन थी। सो लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू पुट एन एंड टू दीज रिस्ट्रिक्शंस एंड ओपन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इसीलिए लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इन सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जा सके और हमारी इकोनॉमी को ओपन अप किया जा सके फॉर द वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि लिबरलाइजेशन की जरूरत क्यों थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उनकी एंट्री और ग्रोथ के ऊपर, तो इसीलिए उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। अब लिबरलाइजेशन के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स आए? तो यहाँ पर हमारे पास 5 तरीके के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स,
फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जिसको हम फिस्कल रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। तो ये पांच एरियाज के अंदर लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। इन्हीं पांच सेक्टर्स को हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं कि पहले क्या था और हम क्या रिफॉर्म लेकर आए। सो बिफोर 1991 इंडस्ट्रीज वर रेगुलेटेड इन वेरियस वेज, यानी कि पहले के टाइम पे 1991 से पहले इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था हमारे यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, गुड्स रिजर्व कर दिए गए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, प्राइस फिक्सेशन के ऊपर भी पूरा कंट्रोल था और बहुत सारे गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज कंपल्सरी टू स्टार्ट, क्लोज, एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई। मीन्स कि अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, बंद करना है, स्टार्ट करना है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। Restrictions on the private sector to enter into the many industry, और बहुत सारी industries के अंदर private sector को enter करने ही नहीं दिया जाता था। Regulation of goods for small scale industries, हमने last जो chapter पढ़ा है उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि small scale industries को promote करने के लिए government ने कुछ goods का production जो था वो reserved कर दिया था सिर्फ small scale industries के लिए। तो इसका मतलब कोई दूसरी इंडस्ट्री उन गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन, प्रोड्यूसर्स को ये अलाउड नहीं था कि वो खुद प्राइस डिसाइड कर सकें। कंट्रोल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी गवर्नमेंट कंट्रोल था। तो ये तो बैकग्राउंड था कि पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या होता था। अब रिफॉर्म्स जब हम लेकर आए तो क्या क्या चेंज हुआ। सो बच्चे बेसिकली हमने ये पढ़ा कि 1991 से पहले एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो प्रॉब्लम से ही सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिला। आपने कहा कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कंपलसरी, हमने कहा रिड्यूस कर दो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को। हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी भी चीज के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, हम इस चीज को रिड्यूस कर देते हैं। तो सबसे पहला रिफॉर्म आया रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। आप कहते हो प्राइसेस को डिसाइड नहीं कर सकते, हमने कर दिया रिमूवल ऑफ प्राइस कंट्रोल। आपने कहा बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो रिजर्व्ड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, हमने उसको डी रिजर्व कर दिया। तो डी रिजर्वेशन हुआ SSI गुड्स का, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो रिजर्वेशन कर रखा था हमने गुड्स का, उसको हमने हटा दिया। आप कह रहे थे कि पब्लिक सेक्टर का बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, डोमिनेंस है, प्राइवेट सेक्टर उन एरियाज में घुस ही नहीं सकता, तो हमने डी रिजर्वेशन किया पब्लिक सेक्टर का भी। तो समस्या में ही हमें मिल गया था उसका समाधान। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश्ड कर दिया गया, यानी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अब खत्म कर दिया गया था, लेकिन कुछ एरियाज के लिए अभी भी, कुछ गुड्स के प्रोडक्शन के लिए अभी भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप उसमें डील करते हो तो। और वो कौन कौन से थे, एल्कोहल, सिगरेट्स, हैजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। क्योंकि सारे एरियाज ही ऐसे हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को अपनी नजर रखनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो ऐसी सभी चीजों को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा कि बिना हमारी परमिशन के आप इनमें डील नहीं कर सकते। सेकेंड, रिमूवल ऑफ प्राइस कंट्रोल के अंदर मार्केट को अलाउड कर दिया गया कि अब आप अपनी कमोडिटीज के प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमने पढ़ा है ना कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से प्राइस डिसाइड होती है, डिमांड और सप्लाई को देखकर। तो आप उस तरीके से अपनी प्राइस को डिसाइड कर सकते हो। डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, ऐसा हमने IPR 1956 में पढ़ा, जहां पर स्केड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्रीज थी, फिर स्केड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी। तो ऐसे में उस रिजर्वेशन को हटाया गया और सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज के लिए ही अभी रिजर्वेशन रह गया था, जो कि थी डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड द रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो सिर्फ इन 3 एरियाज के अंदर ही अब पब्लिक सेक्टर का रिजर्वेशन है, बाकी सभी जगहों से पब्लिक सेक्टर का जो रिजर्वेशन था वो हटा दिया गया था। फोर्थ, डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल गुड्स। सो मेनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द SSIs डी रिजर्व। तो बहुत सारे गुड्स की जो लिस्ट थी, जो आपने पहले लगा रखा था कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इसको प्रोड्यूस करेंगी, अब उसे डी रिजर्व कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया।
तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स आए, जहां पे हमने क्या किया, हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश किया, लेकिन कुछ एरियाज में उसको रखा अभी भी ताकि थोड़ा सा कंट्रोल बना रहे। हमने यहाँ पर मार्केट को अलाउड कर दिया कि आप अपनी प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हो। हमने यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के जो रिजर्वेशन है उसको कैंसिल किया, सिर्फ 3 एरियाज के अंदर ही अब रिजर्वेशन रह गया था। और हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू प्रोड्यूस किए जाने वाले गुड्स का जो रिजर्वेशन था उसको भी हटा दिया था। सो आई होप आपको अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स को समझ आ चुके हैं। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की तरफ, और माइंड में जितने भी रिफॉर्म्स हैं साथ साथ फिट हो जाने चाहिए। सो अब सेकेंड है हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो उसके लिए पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आती है। अब इंडस्ट्रीज तो हमें पता है कि क्या होती है, बट फाइनेंशियल सेक्टर में हम क्या इंक्लूड करते हैं। तो बच्चे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को आप बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी कह सकते हो। तो अब जब मैंने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म बोला होगा तो आपका बहुत सारा जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा कि फाइनेंशियल सेक्टर में हम किसको इंक्लूड करेंगे। तो यस, वी विल इंक्लूड आर कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक मार्केट एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी कि जिस विच मीन्स कि जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहां से आपको फाइनेंस मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, वो सारी चीजें फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड होती है। अब यहां पर 1991 से पहले क्या था, जरा उसका भी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सो इस फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी को हम अपनी कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो उस अथॉरिटी को हम कहते हैं सेंट्रल बैंक, और हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 1991 से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रोल प्ले करता था हमारी इकोनॉमी के लिए, और वो था रेगुलेटर। ये क्या करता था, बिल्कुल डंडे के नोक पर रखता था इन सभी लोगों को, जितने भी ये फाइनेंशियल सेक्टर्स थे इन सभी लोगों को डंडे की नोक पर रखता था, और इन सभी को ये कहा करता था, जैसे कि पिताजी है, सपोज करो कि ये पिताजी हैं और इन सभी को कहते हैं कि ये जो तुम मेरे बालक हो, कुछ भी काम करोगे तो पहले मुझसे परमिशन लोगे, कहीं उधार लोगे, एक्सटेंशन करोगे अपने काम का, कुछ भी अगर तुम काम करते हो या कहीं भी पैसा लगाते हो, किसी को पैसा देते हो, तो उसके लिए तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी होगी। तो पूरा रेगुलेटर का रोल प्ले करता था। अब हमें रेगुलेटर नहीं चाहिए था, हमें तो कोई ऐसा चाहिए था कि जो हमारा हाथ पकड़े और हमें सपोर्ट करे, यानी कि हमें चाहिए था एक फैसिलिटेटर। तो एज अ रेगुलेटर अब आरबीआई क्या कर रहा था, रेगुलेटर का रोल प्ले करते हुए आरबीआई ने हमसे क्या क्या कहा, वो कहता है कि आई विल डिसाइड। तो वो कहता था कि मैं डिसाइड करूंगा कि कितना पैसा एक बैंक अपने पास रख सकता है, इंटरेस्ट रेट भी मैं ही फिक्स करके दूंगा आपको, और आप जो वेरियस सेक्टर्स के अंदर जो आप लेंड करोगे अमाउंट, उसका जो नेचर होगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सब चीजें मैं डिसाइड करूंगा। और भी बहुत सारे एरियाज के अंदर जो आरबीआई था वो इंटरफेयर करता था, विच मीन्स कि फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, अपने आप कोई भी कमर्शियल बैंक काम नहीं कर पा रहा था। तो अब यहां पर हमें समस्या मिल गई थी कि क्या थी, तो अब इसी से रिलेटेड हमने ढूंढा इसका समाधान। सो इंट्रोड्यूस हुए मेजर्स अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, हमारे पास ये 5 मेजर्स इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें सबसे पहला मेजर था रोल ऑफ आरबीआई, जो कि रेगुलेटर का रोल था, उसे हमने फैसिलिटेटर बनाया। हमने कहा आप हमें फैसिलिटी देने वाले बनो, हमारा साथ देने वाले बनो, हम पे डंडा मारने वाले मत बनो, फैसिलिटेट करो। तो यहाँ पे उसको बना दिया गया था फैसिलिटेटर। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो थे उन्हें एस्टैब्लिश किया गया, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक ही हुआ करते थे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलाउड किया गया कि आप भी हमारे यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये जो FII लिखा है इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। No approval is required to set up the new branch. अब पहले मैंने आपको बताया ना कि RBI ही सब कुछ decide करता था, हमें उसे permission लेनी पड़ती थी अगर हमें new branch set up करनी है तो। But अब ऐसे किसी भी तरीके की permission या approval हमें नहीं लेनी होती थी, अगर हम कुछ criteria उनके पूरे कर देते हैं तो। इंक्रीज फॉरन इन्वेस्टमेंट लिमिट, अब बाहर से जो पैसा आ रहा था हमारे पास एज एन इन्वेस्टमेंट, उसकी लिमिट भी पहले फिक्स की गई थी, तो उस लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया गया था। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ये 5 रिफॉर्म्स क्या कह रहे हैं, कि एक तो हमने आरबीआई के रोल को चेंज किया है, हमने प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया, हमने प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को एस्टैब्लिश किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को हमारे यहाँ पर आना अलाउड किया, हमने यहाँ पर सेटअप अगर करनी है ब्रांच तो उसके लिए अप्रूवल नहीं लेना है अब हमें आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस, और हमारे यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो भी इंक्रीज हो गई थी।
सबसे पहले अगर हम आरबीआई के रोल की बात करें तो रोल हो गया था रिड्यूस, फाइनेंशियल सेक्टर्स आर नाउ अलाउड टू टेक डिसीजंस, तो अब फाइनेंशियल सेक्टर्स को ये अलाउड कर दिया गया था कि अपने काम से रिलेटेड जो भी आपको डिसीजन लेना है, आपकी जो लिमिट्स तय की गई हैं, आप उन लिमिट्स में रहकर अपने डिसीजन ले सकते हो। मतलब देखो, अभी ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही फ्री छोड़ देंगे, तो फ्री तो नहीं छोड़ सकते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमने आपके सामने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं, उनको मानते हुए अब आप अपने जो भी डिसीजंस हैं वो खुद ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एस्टैब्लिश हुए, चाहे वो इंडियन बैंक्स थे या फिर फॉरेन बैंक्स थे, उनको अलाउड किया गया कि आप भी अपने बैंक्स खोल सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि जिसमें आते हैं मर्केंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, तो इनको भी अलाउड किया गया कि अब आप इंडियन की जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है, अब आप उसमें आकर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आपको कोई अपनी न्यू ब्रांच खोलनी है तो हमने कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं, अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आप न्यू ब्रांच भी खोल सकते हो, अपनी ब्रांच को रेशनलाइज भी कर सकते हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो उसकी लिमिट भी 50% तक बढ़ा दी गई थी। तो यानी कि ये सारा कुछ हुआ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर, कि हमने आरबीआई के रोल को रिड्यूस किया फ्रॉम द रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, जिससे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर काम करने वाले जितने भी बैंक्स थे या हमारी स्टॉक मार्केट थी, अब वो अपने डिसीजन खुद ले सकते थे। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अलाउड किया गया कि चाहे आप फॉरेन बैंक हैं, चाहे आप एक इंडियन बैंक हैं, आप भी यहां पर आकर सेटअप कर सकते हैं अपना। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को भी अलाउड कर दिया गया कि आप भी हमारे यहाँ पर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आकर इन्वेस्ट कर सकते हो। नई ब्रांच को खोलना अब आसान हो गया था, कुछ ही कंडीशंस पूरी करनी थी, अब आप खोल सकते थे नई ब्रांच भी। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो 50% तक बढ़ा दी गई थी। सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी आई होप आपको समझ आ चुके हैं और आपने इनको अच्छे से नोट डाउन भी कर लिया है।